हे गाइस, इस वाली वीडियो में हम आईआईटी लखनऊ कॉलेज का पूरा एक टूर करने वाले हैं। मतलब कॉलेज के अंदर जो भी कुछ है सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो इस वाली वीडियो की काफ़ी पार्ट हो सकते हैं क्योंकि कॉलेज काफ़ी बड़ा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम कॉलेज के अंदर से कर रहे हैं। तो इसका जो मेन मतलब गेट से एंट्री लेके पूरा जो भी हिस्सा रह जाएगा वो या तो इसी वीडियो में हम लास्ट में डाल देंगे या फिर इसी वीडियो के जो और पार्ट आएंगे, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो को बनाना पूरा कॉलेज दिखाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसी वीडियो के जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे उनमें दिखा देंगे पूरा। देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला स्ट्रक्चर आपने ज़रूर अगर आईआईटी लखनऊ के बारे में सर्च किया है तो ये ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये जो पुरानी बिल्डिंग थी तब ये क्लियरली दिखाई देता था। अब तो खैर नहीं उतना, वो साइड से देखना पड़ रहा है। तो मतलब गूगल इमेजेस पे अगर आप देखोगे आईआईटी लखनऊ के बारे में तो ये ज़रूर दिख जाएगा। इस सामने आपका कंप्यूटर सेंटर है शायद, अभी जूम करता हूँ मैं। संगणक केंद्र, खतरनाक हिंदी। तो यहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ से एकदम ये सेंटर लगता है एक तरीके से, क्योंकि इसके चारों तरफ सेम डिज़ाइन बनाई हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद कॉलेज का सेंटर या फिर ऐसा ही। छोड़ो, आगे चलते हैं। ये कंप्यूटर सेंटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैब, इधर मतलब CS डिपार्टमेंट पूरा आपका है। और एक नज़ारा मैं आपको छत से शायद थर्ड फ्लोर से दिखाऊंगा ऊपर का हिस्सा इसका। यहाँ पे भी क्लासरूम बने हुए हैं और शायद ये थर्ड नहीं सेकंड फ्लोर है। अभी देखते हैं, ये ग्राउंड फर्स्ट सेकंड या सेकंड फ्लोर ही है। यहाँ पे भी CS डिपार्टमेंट की लैब बनी हुई है, ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम लैब, ऑपरेटिंग सिस्टम लैब। यहाँ से मैं आपको इस नज़ारे को दिखाने की बात कर रहा था। ये बीच में सेंटर है, चारों तरफ सेम डिज़ाइन रखी हुई है। यहाँ मेरे अनुभवी वरिष्ठ फोटोग्राफर होने का सबूत आपको देखने को मिलता है। ये कॉलेज का जस्ट पीछे वाला हिस्सा है, तो इस पर तो कम गौर फरमाइएगा, काफ़ी गंदा भी लग रहा है। और ये वाला स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बताया था आपको, कई बार देखने को हर जगह देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर हमने कॉलेज के पीछे से एंट्री ली है और यहाँ पर अब आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसे सिविल डिपार्टमेंट है अभी जो फ़िलहाल है, तो इसमें एक कॉन्क्रीट लैब और ये बगल में एक और लैब थी वो मिस हो गई। तो आगे चलते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल एक वर्कशॉप है बहुत बड़ी, ये पूरी वर्कशॉप ही है मैकेनिकल की। यहाँ पे मैकेनिकल की जितने भी लैब हैं वो सभी इसी में आते हैं। ये कैड लैब है जहाँ पर ऑटो कैड और सॉलिड वर्क्स इंसिलेटर क्लासेस लगती हैं। और यहाँ से अब ये सभी जितना भी आगे का दिख रहा है यहाँ पर सभी मैकेनिकल से रिलेटेड लैब बनी हुई हैं। ये यहाँ पर जो सामने आपको दिख रहा है इसमें मशीन शॉप है, मतलब जो भी ड्रिलिंग मिलिंग लेथ मशीन वगैरह यहाँ पर ऑपरेशन आपको सिखाए जाते हैं। और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं और कुछ भी इधर की तरफ जो सामने दिख रहा है, इधर की तरफ आपकी अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की लैब होती है। यहाँ पर फाउंड्री शॉप, वेल्डिंग शॉप, ब्लैक स्मिथ शॉप है। और ये इधर की तरफ है मटेरियल टेस्टिंग लैब, जो भी UTM, रॉकवेल, ब्रिनेल ये सब टेस्ट यहाँ पर कराए जाते हैं। और ये सामने जो गेट है वो सीधा हॉस्टल की तरफ निकल जाता है, मतलब हॉस्टल से भी आप एंट्री ले सकते हो मैकेनिकल वर्कशॉप में। इधर की तरफ पूरे बॉयज़ हॉस्टल बने हुए हैं, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक सभी एक रूम है। अब हम यहाँ पर वापस आ चुके हैं। अब
आपको जो दिखाने वाला हूँ वो एकदम रॉक, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको देखकर। जो भी मैकेनिकल और केमिकल से रिलेटेड अगर ब्रांच लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हो वो न्यू बिल्डिंग है मैकेनिकल और केमिकल ब्रांचेस के लिए। मतलब अब यहाँ पर जो भी क्लास लगेंगी वो अब इस वाली बिल्डिंग में लगा करेंगी। मैकेनिकल और केमिकल डिपार्टमेंट के तो मज़े ही आ जाएंगे, एकदम न्यू बिल्डिंग में पढ़ने में क्या बताएं। क्लास एकदम बेंच सब एक सब चीज़ टोटली न्यू। अभी से इसमें क्लास एकदम अभी रनिंग में नहीं आई है, पर तब भी थोड़ी थोड़ी क्लासेस लगने लगी हैं इसमें। और इसका जो ये वाला गेट है वो उधर की तरफ ही खुलता है जिधर अभी हमने बताया था। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ये फर्स्ट फ्लोर पर है, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर लाइब्रेरी भी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही, तो वो अभी देखते हैं। तो ये कह रहे हैं माननीय उच्चतम न्यायालय ने रैगिंग को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया है लेकिन इंट्रो को बढ़ावा दिया है। वेयर इंट्रो इक्वल टू रैगिंग। तो सेंट्रल लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी अभी बंद है क्योंकि अभी हम शाम के टाइम आए हुए हैं यहाँ पे। तो इसकी अंदर से वीडियो लाइब्रेरी के अंदर से व्यू मैं आपको या तो शायद इसी वाले पार्ट में दे दूंगा या फिर अगले पार्ट में दे पाऊंगा। इस वाली वीडियो में काफ़ी कुछ रह गया, जैसे कि क्लासरूम भी नहीं दिखा पाया, अंदर से लैब वगैरह भी अंदर से नहीं दिखा पाया, लाइब्रेरी वगैरह, तो वो अगले पार्ट में आ जाएगा। ये क्लासरूम का एक क्लिप मैंने यहाँ पर डाल दिया ताकि थोड़ा कुछ ऐसा आप ये ना कहेंगे कुछ तो दिखाया ही नहीं।